हे दोस्तों, वेल आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दीपावली से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल आज का पहला वर्ड है दीपावली। वेल दीपावली को इंग्लिश में बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आप चाहे तो दीपावली को दीपावली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, वेल हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिट्टी का दिया। वेल मिट्टी का दिया जलाते हैं रात में और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थन लैम्प, अर्थन लैम्प। नेक्स्ट वर्ड, वेल नेक्स्ट वर्ड है कंडील। वेल कंडील को इंग्लिश में बोलते हैं लालटेन, लालटेन। नेक्स्ट वर्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड है झालर। सजाने के लिए झालर का यूज किया जाता है। वेल झालर को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिल, फ्रिल। नेक्स्ट वर्ड है रंगोली। रंगोली को इंग्लिश में रंगोली ही बोला जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है सुतली बम। सुतली बम को इंग्लिश में बोलते हैं जूट ट्वाइन बम, जूट ट्वाइन बम। नेक्स्ट वर्ड है आलू बम। आलू बम को इंग्लिश में बोलते हैं बेस बम, बेस बम। नेक्स्ट वर्ड है मुर्गा छाप पटाखे। मुर्गा छाप पटाखे को इंग्लिश में बोलते हैं पी क्रैकर्स, पी क्रैकर्स। नेक्स्ट वर्ड, वेल हमारा नेक्स्ट वर्ड है पटाखे की लड़ी। पटाखे की लड़ी होता है ना जिसमें हम लोग लगाते हैं नगीना छाप पटाखे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेन ऑफ फायर क्रैकर्स, चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। आप कह सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड हमारा रॉकेट। रॉकेट को इंग्लिश में रॉकेट ही बोलते हैं। वेल हमारा नेक्स्ट वर्ड है चक्री। चक्री को इंग्लिश में बोलते हैं कैथरीन व्हील, कैथरीन व्हील। आप कह सकते हैं पिन व्हील, पिन व्हील। और इसका और एक इंग्लिश होता है ग्राउंड स्पिनर, ग्राउंड स्पिनर। तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनार। अनार जलाते हैं ना, अनार को इंग्लिश में बोलते हैं फाउंटेन क्रैकर, फाउंटेन क्रैकर। नेक्स्ट वर्ड है फुलझड़ी। फुलझड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पार्कलर, स्पार्कलर। नेक्स्ट वर्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड है पटाखे की बाती। बाती है जिसमें हम लोग आग लगाते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूज, फ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है चिंगारी। चिंगारी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पार्क, स्पार्क। नेक्स्ट वर्ड है पटाखे। पटाखे को इंग्लिश में बोलते हैं फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, या नहीं तो सिर्फ क्रैकर्स। नेक्स्ट वर्ड है आतिशबाजी। जो पटाखे ऊपर में जाके फूटते हैं, जो ज़मीन में फोड़े जाते हैं उसे बोलते हैं फायर क्रैकर्स, और जो ऊपर जाके फटते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं फायरवर्क्स, फायरवर्क्स। और पटाखा जलाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्न द क्रैकर्स, बर्न द क्रैकर्स या बर्न क्रैकर्स। और पटाखे फोड़ना, कोई होता है जलाते हैं और कोई फोड़ते हैं, फोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रस्ट। पटाखे फोड़ना ब्रश द क्रैकर्स या फायर क्रैकर्स। हे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी, लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह एक और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।